है एवरीवन, दिस इज मनीषा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। एक्चुअली ये सबको पता रहेगा, ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और सभी जगहों पे अवेलेबल है, पर इसको एग्जैक्ट कौन से टाइम पे यूज़ करेंगे सो दैट कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। लेट्स स्टार्ट। इसको मैंने 110 रुपये में लिया था, जो कि आता है 150 ml, और आई गेस ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। 3 months अगर आप इसको डेली यूज़ करो तो आराम से आपको 3 महीने ये जाना ही है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें एलोवेरा है, केसर है, सफ़ेद चंदन है, विटामिन ई है। एंड अगर बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पिंपल्स रिमूव करेगा, एक्ने कम करने में हेल्प करेगा, पिंपल्स से होने वाले डार्क स्पॉट्स ये कम कर देगा, और रफनेस ड्राइनेस इसको रिमूव करेगा, आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज करेगा, प्लस आपके स्किन को ये नेचुरल सा ग्लो देगा। क्योंकि क्या है, कलर मैटर नहीं करता, स्किन का ग्लो मैटर करता है। उसके बाद ये आपके अंडर आई जो ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं वो भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, ये टैन काफ़ी अच्छे से रिमूव करता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप नाइट में अगर यूज़ कर रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो नाइट में यूज़ करने से पहले आप कोई भी, आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो उसको यूज़ करके आपका फेस वॉश कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा ड्राई कीजिएगा, पूरा ड्राई मत कीजिएगा, जस्ट पैट इट डाउन। एंड इसको लेना है इतना क्वांटिटी, एंड इसको आपको चेहरे पे लेयर सा बनाना है। इस तरीके से ये काफी ठंडा होता है तो आपके एक्ने रिमूव करने में भी ये काफी हेल्प करता है। स्किन को आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा इसको यूज़ करने से। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो सोने से पहले एज अ नाइट क्रीम। आजकल नाइट क्रीम काफ़ी महंगी आती है, फिर भी अगर किसी को स्किन केयर फॉलो करना है तो नाइट में इसको आप लगा के सो जाइएगा, और सुबह इसको रब करके, पूरा रब करके अगर आप इसको रिमूव करते हो तो ये आपके टैन रिमूव करेगा, आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देगा। तो गाइज इसको यूज़ करिएगा और अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको ये कैसे लगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक आइकॉन एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक